सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ, तो फिर इसे बनाना शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ शादियों में मिलने वाली लच्छेदार कुरकुरी सी क्रिस्पी सी आलू की टिक्की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आलू की टिक्की बनाने के लिए ये मैंने 4 कच्चे आलू लिए और 1 लिया है उबला हुआ आलू। तो कच्चे जो आलू हैं उनको अभी छील लेते हैं और उबले हुए आलू को अभी नहीं छीलेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए आप आलूओं का रेशियो जो है इसी तरह से ही रखें कि जैसे मैंने 4 कच्चे लिए और 1 उबला हुआ लिया। अगर आप कम क्वांटिटी में टिक्कियाँ बना रहे हैं, 2 कच्चे आलू लेते हैं तो 1 आलू उबला लेंगे तो वो छोटे साइज का लें। कच्चे आलूओं को मैंने देखें छील लिया है और उबले हुए आलू को मैंने अभी एक साइड में रख दिया है। अब इनको ग्रेट करना है तो इसके लिए एक बाउल में पानी ले लिया मैंने और साथ में ले लिया ग्रेटर। तो इसमें अब इसको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट करते जाएंगे। पानी इसमें पहले ही मैंने डाल लिया जिससे कि आलू जो है पानी में ही जाएंगे और काले नहीं पड़ेंगे। अब आलू जो है ग्रेट हो गए हैं। अब आलूओं को हमने धोना है जिससे कि इसमें जो स्टार्च होती है वो निकल जाए। तो इसके लिए एक बाउल और ले लिया मैंने। इस पानी में से निकाल निकाल के थोड़ा सा निचोड़ते जाएंगे और दूसरे बाउल में इसको आलूओं को डालते जाएंगे। ये देखें पानी जो है इसका कलर कितना पीला हो गया, कितनी स्टार्च थी आलूओं में। तो इसको भी फेंक देंगे और एक बार फिर से इनको धोना है। तो इसमें पानी डाल लेंगे और इन्हें एक बार फिर से धो लेंगे जिससे कि इसका स्टार्च मैक्सिमम निकल जाए। आलूओं को मैंने 2 बार धो लिया है तो अब इनको करना है बॉईल। तो इसके लिए एक पतीले में मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया और पानी को गर्म होने रखा हुआ गैस पर। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो अभी मैंने आधी चम्मच डाला है नमक, तो मुझे कम लग रहा है, आधी चम्मच मैंने नमक और डाल दिया था। टोटल इसमें 1 चम्मच आपने नमक डालना है। अब इसमें आलू भी डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखे हैं। तो इनको शुरू में तो फुल फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे और 1 मिनट के बाद गैस को मीडियम कर देंगे और उस फिर मीडियम फ्लेम पर भी बस 1 मिनट ही पकाएंगे। तो अभी देखें 2 मिनट टोटल में हो गए हैं इनको बॉईल होते हुए। अब ये देखें आलू जो है ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, देखें ऐसे हो गए हैं। तो अब इस गैस को कर देंगे बंद, इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। हल्के हल्के से गल गए, करीब 30-40% गल गए, इससे ज़्यादा नहीं गलाना है इनको। अब गैस को कर देंगे बंद और इनको फटाफट से छान लेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा गला देंगे तो फिर जो टिक्कियाँ बनेंगी वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगी। आलूओं को हमने गर्म पानी में भीगे हुए नहीं रहने देना है, फटाफट से इनको छान लेंगे और एक प्लेट के ऊपर इसको फैला देंगे। चाहे प्लेट ले लें या बड़ी सी ट्रे ले लें, उसमें आलू को फैला के रख देंगे जिससे जल्दी ठंडे हो जाएंगे और इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब आलू ठंडे हो गए हैं तो इनको अब निचोड़ेंगे क्योंकि इनमें अभी थोड़ा पानी है। तो एक बॉल के ऊपर मैंने साफ़ सा कपड़ा बिछा लिया है। आप भी एक साफ़ सा कपड़ा ले लें और उसके ऊपर आलू को डालकर और कपड़े को इस तरह से पकड़ कर इसको निचोड़ लेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा पानी था वो निकल गया है। आलूओं को मैंने एक इस बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम मिला देंगे उबला हुआ आलू। उबले हुए आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश करके लिया है। इसको आपने अच्छी तरह मैश करना है जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह, मोटे मोटे टुकड़े वगैरह ना रहें। अब इसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये मैं मिला रही हूँ 3 टीस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो वो मिला लें, अरारोट हो तो वो मिला सकते हैं आप। अब इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। उबला हुआ आलू मैंने इसमें इसलिए मिक्स किया है क्योंकि इससे बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाती है और जब हम टिक्की को फ्राई करेंगे तो वो टिक्की टूटेगी नहीं, अच्छी तरह से चिपके रहेंगे आलू आपस में। अभी इसमें मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और मिला रही हूँ क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं हो रही है। इस समय आपने इसमें नमक और मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। नमक हमने आलू को बॉईल करते वक्त डाला हुआ है और जो आप इसमें हम चटनियाँ यूज़ करेंगे उसमें भी नमक होगा। अब इसको आलू को इस तरह से मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, लड्डू की तरह ये बंध रहे हैं यानी आपस में बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रही है। तो अब इसमें हम और कॉर्नफ्लोर नहीं मिलाएंगे, तो अब इसको हम टिक्की की शेप में बना लेंगे। ये देखें मैंने एक टिक्की बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है और आलू के जो लच्छे हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं
तो ये बहुत ही कुरकुरे लगते हैं जब ये बन जाती है लच्छे। तो अभी हमारी एक टिक्की तैयार हो गई है। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया हुआ है, नॉर्मल लोहे का तवा है जिसमें हम घर में रोटी बनाते हैं, उसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया है। अब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें एक एक करके टिक्की को डालते जाएंगे। टिक्कियों को आपने डीप फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही आपने तवे पर इनको शैलो फ्राई करना है। अभी आपको टिक्कियाँ काफ़ी मोटी मोटी सी लग रही होंगी, पर जब हम इसे दबा दबा कर फ्राई करते हैं तो ये थोड़ी सी पतली हो जाती हैं और बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं। गैस की फ्लेम को आपने इस समय मीडियम रखना है और टिक्कियों को आराम से फ्राई होने देंगे। इसको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा फ्राई होने में, क्रिस्पी होने में, पर जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। अभी तवे पर मैंने 3 टिक्कियाँ ही डाली हैं और इनको पलट पलट कर दोनों साइड से हम पकाएंगे। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी हो गई हैं तो इन्हें तवे की एक साइड में कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे ही करते हैं, उनका तवा तो बहुत बड़ा होता है, जो टिक्की थोड़ी थोड़ी सी पक जाती है तो उनको साइड में लगा देते हैं और बीच में फिर फ्रेश टिक्कियाँ डालते जाते हैं। ऐसे ही हम भी करेंगे। अब 2 टिक्की मैंने तवे पर और डाल दी हैं। अब ये जो पहले वाली 3 टिक्कियाँ हैं काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं, तैयार लग रही हैं, तो इनको सर्व करना है। तो सर्व करने से पहले इनको तवे पर सेंटर में लाकर थोड़ा सा क्रिस्पी और कर लेंगे। एक एक टिक्की को इस तरह से देखिए क्रिस्पी करते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे। अभी तवे पर 2 टिक्कियां रह गई हैं, ये क्रिस्पी नहीं हुई है, तो इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने देते हैं। जो क्रिस्पी हो गई हैं उनको सर्व कर लेते हैं। टिक्कियों को सर्व करने के लिए मैंने मार्केट के जैसे ही डोने लिए हैं, कागज के 3 डोने लिए। अब इसमें हम डालेंगे टिक्की, चाहे तो आप एक एक डालें या 2-2 डाल लें। मैं एक एक टिक्की डाल रही हूँ इसमें और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दही। तो मैंने दही में थोड़ी सा पाउडर शुगर मिलाकर इसको फेट कर लिया हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी दही डाल देंगे और थोड़ी सी अब इसमें डालेंगे मीठी सोट यानी मीठी वाली चटनी, और अब डालेंगे हरी चटनी। तो ये दोनों चटनियों की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। चटनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़े से मिर्च मसाले, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। अब ऊपर से गार्निश करने के लिए मेरे पास चुकंदर है तो मैंने उसे थोड़ा सा ग्रेट करके लिया है, वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास मूली है तो वो डाल सकते हैं। थोड़े से अदरक को कद्दूकस करके डालें, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें। अब ये देखें क्रिस्पी कुरकुरी सी लच्छेदार आलू की टिक्कियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। आप इन्हें घर पर बनाकर खाएंगे तो आपको मार्केट की टिक्की भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि घर पे बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप इन्हें घर पर बनाएं, खाएं और अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।